हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग फिक्शन को एंड करते हैं जितना हो पाएगा। और कभी एंड तो कोई टॉपिक होता नहीं है, आज करते हैं। फिर हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, बट आज इसको ऑफिशियली एंड कर देते हैं। हम लास्ट टाइम मल्टी ब्लॉक सिस्टम कर रहे थे, फिर से हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन तो बचा है, थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन करते हैं। मानते हैं पास ये ब्लॉक है, देश देश चलो मानते हैं 6 kg, 4 kg। यहाँ पे म्यू एस है 0.5 एंड म्यू के है 0.4। यहाँ कल हम लोग पिछले क्लास में कहते सरफेस फ्रिक्शन लेस था, अब मान लें यहाँ भी फ्रिक्शन है दिस, और यहाँ पे एफ लगा रहा है, यहाँ पे एफ लगा रहा है। फिर से हम बनाते हैं टेबल। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को ए मान लेते हैं, मेरा बी है, ये ए है। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को लिखते हैं F1, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को लिखते हैं F2, और ये ए बी, ये हमको लिखना है F1, F2, ए ए एंड ए बी। हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। चलो मानते हैं पहले मेरा कुल फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो चलने की टेंडेंसी नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन 0। जब यही नहीं चलेगा तो इसको कौन उंगली कर रहा है भाई, जब ये आगे चलेगा तो इसको कुछ दिक्कत हुआ ना, तो साथ बैठा हुआ है, तो F2 भी 0, A भी 0, मजा आ गया। यही एग्जाम में पूछते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रखा हुआ है सब। ओके, अब थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, कर देते हैं 10 10 10 10 10। अब हम बोलो F1 का लिमिटिंग क्या होगा मैक्सिमम, या नॉर्मल कितना है सरफेस पे? नॉर्मल 100 जी कह लेते हैं। नॉर्मल कितना होगा? 60 प्लस 40 100। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 0.4 × 100 40। सो एट दिस सरफेस मींस जो बॉटम सरफेस है, F1 का लिमिटिंग वैल्यू 40 है, हम F2 का भी लिमिटिंग साथ ही में निकाल लेते हैं। ये होगा 0.5 म्यू एस इंटू नॉर्मल, यहाँ 40 होगा, इट इज 20 20 20। सो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है 40 × 0.5 20, एंड फ्रिक्शन है 100 × 0.4 40, राइट? ओके, जब इसको हम 10 से फोर से पुल कर रहे हैं तो यहां से फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 है, चलने देगा नहीं? जब ये नहीं चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ खुश है। सो यहाँ पे टू स्टॉप इट, हाउ मच फ्रिक्शन इज नीडेड? हमने 10 से पुल किया, यहाँ पे 10 चाहिए, और यहाँ पे क्या हुआ? 0। अरे यार, यहाँ फ्रिक्शन कब आएगा पिक्चर में? जब इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, जब यही रोक लिया इसको हम पुल किए, जब इसके बीच रेडियल मोशन कुछ आने का होगा तब तो ये आएगा पिक्चर में। सो अभी तो पूरा पूरा 10 लगा के रोक लिया, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो यहाँ F2 0। अच्छा, वो बोला सर ऊपर वाला भी चाहेगा रोकने के लिए। अरे भाई, ऊपर वाले को इसके बीच का रिलेटिव मोशन रोकना है। अगर इसने अच्छा ऊपर माले यहाँ पे कुछ लगा दिया 10, तो इस पे 10 लगे तो चल जाएगा आगे। अगर कोई बोला कि नहीं सर रोकेगा, यही क्यों रोकेगा, ऊपर वाला रोक देगा। चलो ऊपर वाला ने इस पे लगा दिया 6 kg, पे इधर 10, तो इस पे लगा 10, ये तो आगे चल गया भाई, फ्रिक्शन कहाँ खुश हुआ? इसको रोकने के चक्कर में इसको मूव करा दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये नीचे वाला रोक लेगा, ऊपर वाले में कोई मूव करने की टेंडेंसी नहीं है। मैं कंफ्यूज कर दिया क्या? अरे जब इसको 10, अब तो सब इतना सोचते नहीं सर, आप बेकार सोचवा लेते हो। कोई बोलेगा कि सर आप इसको 10 से पुल करो, रोकने वाला फिक्सर यहाँ वाला इसको रोकना चाहेगा। अरे जब यहाँ वाला इसको रोकना चाहेगा तो ये इस पे लगाया तो ये इस पे लगा देगा ना, ये तो और आगे बढ़ जाएगा। इसको रोकना है साथ में रिलेटिव मोशन रोकना है इस दोनों का ना, वो तो ये रोक दिया। अगर ये चलेगा तो साथ चलेगा, रुका रहेगा तो दोनों रुका रहेगा, तो ये रोक देगा, और यहां पे लगा 10, यहां फिक्शन 0, तो ए भी 0, दोनों रुका हुआ है। चलो और लगा देते हैं 30। अभी भी यहां पे मेरा फोर्स 30 है और यहां पे लिमिटिंग 40 है, ये रोक देगा। सो F1 हो जाएगा 30। टू स्टॉप दिस सिस्टम वी नीड 30 न्यूटन है, वो लगा दिया, रुका हुआ है, F2 पिक्चर में आएगा, टर्निंग टेंडेंसी है नहीं, A0 AB0 40। अगर मेरा F40 है, अगर F=40 है तो हमने 40 न्यूटन से पुल किया, सो टू स्टॉप इट वी नीड ऑल्सो 40।
राइट, और यहीं पे लिमिटिंग 40 है, तभी पूरा होगा अभी रोक दिया, ये रुक गया, सो इसमें चलने की टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ फिक्स जीरो ए जीरो ए जीरो, यहां तक कोई दिक्कत? If we pull it by 40 newton to stop it, we need 40 newton at the bottom. वो इसके औकात के अंदर है, पूरा जो लगा के रोक दिया, जब ये नहीं चला तो यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं, यहाँ फ्रिक्शन जीरो, ए ए भी सब जीरो। अब कर देते हैं 50। अरे भाई अब तो एफ हो गया 50, अब एफ हो गया 50, ये अपना पूरा ताकत जो दिया 40 नहीं रोक पाएगा, मतलब इस सरफेस पे चलेगा। सो अब हमको पता हो गया कि यहां पे, अच्छा यहां की ये कम जा रहा हूं वैल्यू, अब हमको पता है कि यहां तो काइनेटिक ही होना है, और यहां पे जब काइनेटिक होगा यहां मूव करेगा, सो ये हो जाएगा 30। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एम नॉर्मल 100, 30 मैक्स काइनेटिक हो जाएगा 30, अगर साथ चलेगा तो, अगर साथ चलेगा तो 30, अलग चलेगा तो तब भी 30, मान लेंगे नीचे नहीं गिर रहा है तो नॉर्मल में से यहां 100 रहेगा, सो यहां पे काइनेटिक क्या हो गया 30, सो यहां तो अब 30 फिक्स हो गया, ये 30 हो गया। अब जब ये चलेगा, अब ये निकल जाएगा, रुकाएगा, ऐसा थोड़ा तो है नहीं, अब यहां होगा फिक्स कनेक्शन, आ गया आराम से सोया हुआ था, सो कोई दिक्कत नहीं, मत सो रहा था, ये इसका काम कर रहा था भाई इसका, अब इसका भाई भाई हार गया, इसको हाथ साथ देने ये आएगा, ये अब चाहेगा इसको साथ रखना, उसका काम है इसको साथ रखना, उसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इसका काम है इसको साथ रखना, सो अब चलेगा तो ये तो काइनेटिक है, ये क्या है वो पता नहीं, हमको मानते यहां पे स्टैटिक है, अगर यहां पे स्टैटिक है मींस लेट्स अज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, सो लेट्स अज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर, लेट्स अज्यूम ए एंड बी मूव टुगेदर, हम मानते हैं दोनों साथ चल रहे हैं, अगर दोनों साथ चलेगा तो एफबीडी क्या बनेगा, लिमिटिंग आपको पता है, इसको मिटा रहा हूं, यहां पे लिमिटिंग यहां पे है 20, यही लिख देते हैं, अब एफबीडी क्या बनेगा, दोनों साथ चलेगा, कंबाइन सिस्टम मान सकते हैं, तो कंबाइन सिस्टम में इधर लग रहा है 50 न्यूटन और इधर लग रहा है 30 न्यूटन, यह है 4 kg और यह है 6 kg, सो व्हाट इज एफ नेट 20 न्यूटन, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो अगर दोनों साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी तो हमने मान लिया साथ चलेगा, अब हम देखेंगे कि साथ चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, तो हम सिर्फ 4 केजी का एफबीडी बनाते हैं, सो इस पे इधर एफ लेगा बिकॉज ये आगे जाना चाह रहा है, उसके रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा, इस पे एफ आगे लेगा, सो एफ टू इक्वल टू m into a 4 into 2 required friction 8 है, औकात 20 है भाई, बिल्कुल साथ चला देगा, मतलब दोनों साथ चलेगा, f2 कितना लेगा 8 और f1 होगा कितना हो जाएगा 2, एकदम बिल्कुल अलग मत करना, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि आप यहां का हमको पता है काइनेटिक है, अब हमको यहां पे नहीं पता कि a और b के बीच फ्रिक्शन स्टैटिक है काइनेटिक है, तो हमने मान लिया कि उसके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक है, हम मान लेते हैं, अब अगर इसके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक है तो दोनों साथ चलेगा, और हम देखेंगे स्टैटिक होने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अगर उसके औकात के अंदर हमें जो माना सही है, औकात के बाहर है तो अलग अलग चलेगा, तो हम मान लिए दोनों साथ चला, फ्रिक्शन आया मेरा 2, फ्रिक्शन 2 होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है ओनली 8, औकात है 20, साथ चलेगा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत क्या, देखो एक बार, थोड़ा बढ़ाते हैं 60 करते हैं 60 चलो और बढ़ा के कर देते हैं अब 70 अब f मेरा 70 है, अब फिर से मान लो साथ चल रहा है तो 70 में मतलब एक क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको लग रहा है एक क्वेश्चन है बट ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, जब एफ 70 है तो पता है कि हम फिर से सोचते हैं 70 है भाई, यहाँ औकात 40 है, रोक नहीं पाएगा तो यहाँ पे चलने की टेंडेंसी है, तो यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर साथ चलता है तो 70 - 30/10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कब, अगर साथ चलेगा तो, अगर मान लिया दोनों साथ चल रहा है ओके, तो
अब सिर्फ बी का एमपीडी बना लेते हैं, अगर सात चल रहा है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स एम इंटू ए, तो सात चलने के लिए 16 चाहिए, औकात 20 है, दे देगा, मतलब सात चलेगा, ये 30, ये 16, एक्सेलरेशन 4 एंड 80 पे क्या होगा बोलो, 80 पे तो 80 पे यहां तो चलना है क्योंकि ये मैक्सिमम इसका औकात 40 था, ये 80 लग गया तो चलेगा, तो मानते हैं फिर से लेट्स अज्यूम दे मूव टुगेदर, मैं बार बोल रहा हूं, पहले आप ये मान लो, फिर देखो साथ चलने के रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, वो लिमिटिंग के अंदर है, तो आपने जो माना वो सही है, तो दोनों साथ चलेगा, आंसर वही हो जाएगा, अगर नहीं तो अलग चलेगा, देखेंगे। तो अगर एफ 80 है तो एक्सेलरेशन होगा 80 - 30/10, थोड़ा फास्ट हो रहा हूं मैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा साथ चलेगा, तो अब सिर्फ 4 केजी का एमपीडी बनाते हैं, सो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है 20, सो अब साथ चलने के लिए ए और बी के बीच में फ्रिक्शन 20 चाहिए और इसका औकात भी 20 है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, मतलब दोनों साथ चलेगा, सो अब भी कोई दिक्कत नहीं, यहां 30 यहां 20, एक्सेलरेशन आ गया 5.5, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लिए इसको कर देते हैं 120 लेते हैं, फिर से मान लो दोनों साथ चले, लेट्स जूम दे मूव टुगेदर, सो अगर दोनों साथ चलेगा एक्शन क्या होगा, 120 - 30/10, 9 कंबाइनेशन ये होगा, इफ दे मूव टुगेदर, नीचे आपको दिख रहा है ना, सो अगर हमने मान लिया 120 पुल फोर्स है, सो इफ दे मूव टुगेदर कंबाइंड फ्रिक्शन विल बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब सिर्फ 4 केजी का एफबीडी बनाते हैं, इधर फ्रिक्शन ये 4 केजी, सो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 36 चाहिए। अब इस दोनों को जब ये F 120 है, A और B को साथ चलाने के लिए हमको चाहिए 36, औकात सिर्फ 20 है यार, दे पाएगा नहीं, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, औकात के बाहर रिक्वायरमेंट हो गया, तो अब साथ नहीं चलेगा, तो हमने जो माना वो गलत है, यहां तो फ्रिक्शन कांड, अब यहां पे भी दोनों मतलब गलत है, अलग अलग चलेगा, मींस दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, जब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ये होगा 40 × 0.4 = 16, ये तो इसका लिमिटिंग है, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 × 40 = 16, अब अलग अलग वीडियो बना लो, बी पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, किधर लगेगा आगे कितना 16, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो 16/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब आप कितना भी फोर्स बढ़ा लो ये इस पे कोई इसका एबिलिटी चेंज होगा नहीं, तो इसका एक्शन तो फिक्स है, फोर ही रहेगा, अब आप कितना भी फोर्स बढ़ा दो इस पे तो हमेशा काइनेटिक लगेगा, अब वो अब 80 इनफैक्ट 80 लिमिटिंग है, अभी मैं आपको इक्वेशन से दिखा दूंगा, इससे बड़ा कितना भी फोर्स लगा दो इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स 16, इसका एक्शन होगा 4, अब ए का एबिलिटी बना, ए पर इधर लग रहा है 120, इधर कितना लगेगा 30,74 न्यूटन, सो अब इस 6 केजी पे नेट फोर्स कितना है 74, इधर मेरा पुल है 120, इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना है 30, यहां कितना है 16, सो 74 एक्शन होगा 74/6 आगे की तरफ, सो ए हो गया 74/6, अब इससे बड़ा कोई फोर्स करेगा दोनों पर काइनेटिक आगे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तो एक मैं आपसे टेबल भर रखता हूँ फिर आगे थोड़ा एक बार आपको एक और
पहले खुद से करना वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर मिलाना। मैं पीछे में कुछ ए और बी में कुछ गलती नहीं की, बार देख लेना ए बी लिखने में, हमको याद नहीं रहा कौन ए कौन बी था। तो पिस्टन फोर्स है, एफ वन है, एफ टू, ये ए है, ये बी है। जब मैं क्लास में बार बार गलती करता हूँ, ए का बी में लिख देता हूँ, गया। चलो एफ का वैल्यू चेंज करते हैं, 20, 60, 80, 100, 120। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस ऐसे आपको दे दिया 20, 20, 140। हमें ये टेबल फिल करना है, फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट कीजिए, कर लिए। जिसका अभी तक नहीं हुआ वो वीडियो पॉज करो, पहले सारा कुछ करके फिर आंसर मिलाना। सोशल रखने से कोई फायदा नहीं, अगर आप खुद से नहीं करते हो तो। ओके, सबसे पहले औकात निकालते हैं, एफ वन का औकात यहाँ में नॉर्मल 100.5 × 100, 50। सो एफ वन का औकात 50। एफ टू का औकात लिमिटिंग एफ टू कितना है, 0.4 × 40, 60। ठीक है, हमने लिमिटिंग निकाल लिया। ओके, कुछ गलती नहीं किया है, पक्का। अब जब यहां पे लगाना है 20, इसका औकात 50, सो एफ वन 20 लगा के रोक देगा, एफ टू 0, ये 0, ये 0, मजा आ गया। जब यहां 40 लगा रहे हैं, अभी औकात 50 है, ये रोक देगा, सो एफ वन 40 है, एफ टू 0, 0, 0, यहां भरने में मजा आ गया होगा। अब जब 60 लगाए, इसके औकात से बाहर है, नहीं रोक पाएगा, मतलब अब नीचे वाले ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है। सो अब एफ वन हो गया काइनेटिक, अब हमको नहीं पता ये चलेगा साथ या अलग अलग। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड, पहले आप मान लो दोनों साथ चल रहे हैं, कितना ही ब्लॉक दोनों मैटर, ऐसे हम दो से ज्यादा करवाएंगे नहीं, मुझसे ज्यादा कहीं पूछा नहीं है। हम मानते दोनों साथ चल रहा है, फॉर एफ इक्वल टू 60, यहां पर लेगा काइनेटिक, काइनेटिक कितना होगा, 0.4 × 100, 40। सो अब इसका एक्सेल कितना होगा, 60 − 40, 20/10, 2 m/s². सो व्हेन एफ इज 60, इफ ए एंड बी मूव टुगेदर, एक्शन ऑफ कंबाइंड सिस्टम विल बी दिस 2, राइट, बिकॉज यहां पुल फोर 60 है, यहां पे फ्रिक्शन 40 है, 60 − 40, 20, एक्सेल मास 10, 2 m². अब सिर्फ देखते हैं इस 2 के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, अभी बनाते हैं ए का वैल्यू, बी का बहुत पिछले बार चेक कर लिए। ए में इधर लग रहा है 60, इधर लगेगा फ्रिक्शन, और यहां पे भी लग रहा है 40, राइट, ये ए का है, बी डी है। सो 60 − f − 40 = m × a, सो 20 − f = 12, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 8 N। और आप बी से डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर बी का एफपीडी बनाओगे, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, स्पेस आगे एफ लगेगा और एफ इक्वल टू एम, एम इज 4 एंड एक्सेलरेशन इज 2, तो सी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 8 N मींस व्हेन फोर्स, ए पुल फोर्स इज 60 टू मूव ए एंड बी टुगेदर, वी नीड 8 N फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी को भी साथ रखने के लिए इस केस में हमको 8 N की जरूरत है भाई, और इसका औकात कितना है, 60, हम लोग निकाल चुके हैं। एफ टू लिमिटिंग कितना था, 60,
औकात 16 है चाहिए 8, खुश रहेगा, बिल्कुल खुश रहेगा। सो रिक्वायर्ड जो है वो दे देगा, यहाँ पे काइनेटिक लग जाएगा, काइनेटिक कितना है 40। नहीं गलती नहीं करनी, बस तो प्रश्न और ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, दोनों साथ चलेगा, साथ चलेगा तो A2 AB2। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं 80 में यहां तो चलेगा ही, फिर से यहां काइनेटिक होगा। अब हमको दोनों साथ चलेगा कि अलग अलग हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि दोनों साथ चल रहा है। सो यहां फ्रिक्शन लगा 40 और ए एंड बी मूव टुगेदर, सो एक्सेलरेशन आएगा 80 - 40/10 4 m/s2। तो साथ चलने के लिए 4 m/s2 है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होगा F = ma/16। हम ए से नहीं दिखा रहे हैं, बी से दिखा रहे हैं, ए से भी सेम थिंग आएगा, आपको मैं दिखा चुका हूं बहुत बार, सो अब जरूरत नहीं है। सो अभी 80 पे दोनों को साथ रखने के लिए रिक्वायर्ड 6 हमको कितना है 60, ये दे देगा, मतलब दोनों भी साथ चलेगा, साथ चलेगा तो यहां पे काइनेटिक, यहां पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो लग रहा है वो मिल रहा है 16। अभी दोनों साथ चल रहा है AB4। अब 100 फिर मानते दोनों साथ चलेगा, ऐसा देखे हो सकता है 16 का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो साथ नहीं चलेगा। बट मैं जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा, हमको नहीं पता था, हमको ऊपर नहीं पता, मुझे डायरेक्ट 100 पूछा, अब हमको दे दिया F = 100, एक क्वेश्चन दे दिया। अब अगर F 100 है तो हमको पता है क्या, यहां मैक्सिमम 50 हो सकता है, मतलब चलेगा, और यहां पे काइनेटिक लगेगा, यहां काइनेटिक कितना लगेगा 40। ओके, सो व्हाट इज कंबाइंड एक्सेलरेशन 100 - 40 60/10 6 m/s2 कंबाइंड। सो इफ ए एंड बी मूव टुगेदर इन दैट केस इज एक्सेलरेशन विल बी दिस। अभी हमने माना है कि लेट्स अज्यूम दे मूव टुगेदर और दोनों साथ चले, एक्सेलरेशन ये होगा, बट चलेगा कि नहीं हमको पता नहीं, अब इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो अब हम सिर्फ बी का एफबीडी बनाते हैं, तो इसके लिए अगर सिर्फ बी का हम एफबीडी बनाएं तो साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा, सो बी का एफबीडी बना लेते हैं, इधर फ्रिक्शन लेगा, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 4 × 6 = 24 चाहिए, 24 औकात कितना है 16, साथ नहीं चला पाएगा भाई, बिकॉज साथ चलने के लिए यहां पे 24 चाहिए और बी को मिल सकता है मैक्सिमम 60, मींस दे विल मूव सेपरेटली। सो यहां तो काइनेटिक था ही, यहां भी काइनेटिक हो जाएगा 40 × 0.3 काइनेटिक आते हैं, मजा आ गया, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो वीडियो बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना आसान हो गया। सो अब दोनों अलग अलग चलेगा, हम पहले बनाते हैं ए का एफबीडी, सो ए पे इधर लगा 100, इधर लगा 40 और यहां पे लगा काइनेटिक, दैट इज 12। सो नेट फोर्स कितना हो गया 100 - 52, दैट इज 48। सो एक्सेलरेशन इज 48/6 क्योंकि हम सिर्फ ए का बना है, सो ए अभी हो गया, ए नीचे वाला है, यहां तक कोई दिक्कत, 100 - 40 - 12। अब B का क्या होगा, उस पे तो सिर्फ 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अब B पे सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है 12, B पर सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है 12, राइट, इसका संज्ञा होगा 12/4 3। कोई दिक्कत, अब 120 मानते, अब क्वेश्चन है 120, कुछ ही लगा दो काइनेटिक लगेगा, अब ए क्या होगा 68/6 34/3 और ए बी, अब यहां तो ये 12 फिक्स हो गया भाई, ये 3 फिक्स है, आप कुछ लगा दो 3 रहेगा, इसको 140 कर दो तो ये सिर्फ चेंज होगा, सो 140 - 52 = 88, राइट, ऐसा होगा 88/6
44/3 और ये सब फिक्स हो गया, हमने टेबल कर लिया। अब आपको ये टेबल याद होगा, अरे भाई ये टेबल आपको ये ध्यान रखना, बस ध्यान रखना आपको, आपको कॉपी में जो लिखा रहेगा मेरे पास लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सबको जनरल में निकालते हैं, जनरल जनरल जनरल, ये सब आपको वैल्यू दिया ना। अब हम सेम डाटा एफ के टर्म में निकालते हैं, जनरल कब क्या होगा, थोड़ा मजा आएगा देखो। हम मानते हैं अच्छा कब तक सर, अगर एफ मेरा अब हमें लिखे इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू दिस फ्रैक्शन जो कि 50 है, दोनों रेस में रहेगा ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू जीरो, एफ वन इक्वल टू एफ एंड एफ टू इक्वल टू जीरो, इसमें किसी को दिक्कत है हम जो लिख दिया, ये एफ वेरिएबल है। अब लिमिट लगा रहे हैं, यहां पे औकात कितना है 100 × 0.5 50, जब मेरा एफ 50 से कम होगा, अगर मेरा एफ इस अगर मेरा ये जो एफ है यहाँ पे जो मैक्सिमम फिसलन है 50 उससे कम होगा तो दोनों रेस्ट में है, और यहाँ पे जितना फैलाएंगे उतना फिसला आगे रोक देगा, और यहाँ की टेंडेंसी नहीं है तो एफ को जीरो, ये तो हम लोग टेबल में करते आ रहे हैं। अब एफ जहां मान लिया 50 से बड़ा है तो चलने की टेंडेंसी है। अब हमको देखना है एफ के किस वैल्यू तक दोनों साथ चलेगा। सो अब मेरा एफ 50 से बड़ा है, जब 50 से बड़ा है और मानते हैं हमको निकालना है किस वैल्यू का दोनों साथ चलेगा, तो हम कंबाइन एफ बनाते हैं, दोनों साथ चल रहा है, ये 4 केजी ये 6 केजी, यहां लग रहा है एफ यहां लग रहा है 40, सो कंबाइन एक्सेशन क्या है एफ माइनस 40/10। अब सिर्फ बनाते हैं बी का एफ बी डी, बी का इधर लग रहा है एफ, सो बी का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन एफ माइनस 40/10, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन टू मूव टुगेदर, दिस इज एफ रिक्वायर्ड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एफ टू मूव टुगेदर। यहां तक कोई दिक्कत, अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो आप हम 180 सब देते रहते हैं, अभी हम मान लिए कोई एफ दिया हुआ है कुछ, अगर हमने 60-80 दिया उसको एफ मान लिए, 60 एफ मान लिया वेरिएबल है उसका एफ का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सो यहां पे ए जब एफ है तो ए अगर दोनों साथ चलेगा यहां लगेगा 40 काइनेटिक फ्रिक्शन, सो एफ माइनस 40/10 कंबाइंड एक्सेलरेशन, अब सिर्फ बी का एफ बीडी बना है, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स एम इंटू ए 4 इंटू दिस। नाउ इफ ए एंड बी मूव टूगेदर, अगर दोनों साथ चलता है so required friction must be less than equal to limiting friction, औकात के अंदर होगा तभी साथ चला पाएगा, तो required ये है 4 × f − 40/10, this must be less than equal to औकात at this point that is 16, 4 × 4 = 16, so f minus 40 must less than equal to 40, एफ 80, मतलब जब मेरा एफ 80 से छोटा होगा तभी दोनों साथ चलेगा, अभी देखना 80 तक साथ चला था, 80 पे लोडिंग के साथ था, मतलब 50 तक दोनों रेस्ट में है, और जब मेरा एफ 50 से 80 के बीच में है तो दोनों साथ चलेगा, इन दैट केस ए ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू दिस, बिकॉज दोनों साथ चलेगा तो ये मेरा इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं मिटा। सो हमने पहले क्या निकाला, देखो कितना आसान है, उतना टेबल कैसे हम डायरेक्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं, हमको एफ 80 तक है तो ये होगा, ये यहां से आ गया, मैं फिर से झोंकता हूं, हमको पता है कि जब मेरा एफ 50 तक था तो नीचे का जो फोर्स था वो उसको चलने से रोक लिया, मीन्स दोनों रेस्ट में था, राइट ए ए बी जीरो था। अब एफ जब 50 से बड़ा हो गया तो इसमें चलने की टेंडेंसी आ, अब ये चलेगा तो ऑप्शन है कि साथ चलेंगे अलग चलेगा, हम मान लें दोनों साथ चल रहा है, अगर दोनों साथ चल रहा है तो हमने एफ बी डी बनाया, तो इसका एफ नीचे 40, क्वेश्चन होगा एफ माइनस 40/10, सो ये साथ चलने पर ये कंबाइंड एक्सेलरेशन है। अभी हमने जूम किया हुआ है, हमको देखना कि साथ चल पाया कि नहीं, तो साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है दिस, और जो रिक्वायर्ड है उसके औकात के अंदर चाहिए तभी तो साथ चला पाएगा, तो अगर इसको हमने बस सॉल्व किया मींस अगर एफ मेरा लेस देन इक्वल टू 80 है दे विल मूव टुगेदर विद दिस एक्सेलरेशन,
अब हम इसको मिटा रहे हैं, मतलब 50 तक दोनों रेस्ट में है और 50 से 80 तक दोनों साथ चलेगा। अब एफ मेरा अगर मोर देन 80 हो जाए, मतलब अलग अलग चलेगा तो अलग अलग बना लेते हैं। हमको पता है हमने निकाल लिया कि 80 तक के साथ चलेगा, अलग चलेगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो यहाँ पे होगा एफ, इधर लगेगा 40 और इधर लगेगा 12, काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस पे लग गया। If F is more than 80, third surface पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? काइनेटिक। So A के लिए ये FBD हो गया, इधर F लग रहा है, यहाँ पे 12 लगेगा, यहाँ 40 लगेगा। So AA equal to F minus 52 by mass 6। B का FBD बनाते हैं। So B पे तो अब सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। So AB equal to simply F, this is 12 by 4, ये तो कांस्टेंट है। अब एक बार आईडिया पूरे 10 मार्क्स का पूछा, कुछ ग्राफ्स बनाने के लिए। अभी भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपको डिफरेंट पैरामीटर्स, ग्राफ तो बनवाया नहीं बट ग्राफ में कुछ लोकेट करने पूछ सकता है। कैसे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अभी जो हम लोग कर रहे हैं मेनली एडवांस के लिए कर रहे हैं, मेंस और नेट में इतना नहीं आता है, उसका पूरा फिक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसके वर्सेस, यहाँ पे मेरा ए रहेगा एक्सेलरेशन, ए और बी का बनाएंगे, और यहाँ मेरा फोर्स रहेगा। अब देखो जब मेरा फोर्स जीरो से 50 मतलब ए ए बी क्या है जीरो, सो जब तक ये 50 तक है सब कुछ जीरो है, तो ए ए बी दोनों जीरो है, सो ग्राफ ऐसा है 50 तक। अब 50 के जस्ट बाद एक्शन क्या हो गया, एफ माइनस 40 बाय 10, यहाँ पे रखो 50 माइनस 40, 10 बाय 10 1 आ गया, मतलब 50 के जस्ट बाद ये 1 हो गया। मींस ग्राफ थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूटी क्यों है? बिकॉज मियर्स म्यू के अलग अलग है। आपने देखा था जब मियर्स म्यू के अलग अलग था तो ग्राफ नीचे आ गया था, याद है जब हम लोग ने ये किया था फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, ग्राफ यहां जाके थोड़ा नीचे आ गया था। क्यों? बिकॉज मियर्स म्यू के अलग अलग है, अगर सेम होता तो कंटिन्यूअस होता। सो ये हम कैसे चेक किए कि 50 तक जीरो था और 50 से जो है यहाँ पे जस्ट 50 रखते हैं, जो है इस क्वेश्चन में आते हैं 50 माइनस 40 बाय 10 मतलब जस्ट बाद 1 होगा, जस्ट बाद मींस इस पॉइंट पे ये इंक्लूडेड नहीं है, 50 पे तो जीरो ही है, 50 के जस्ट बाद 1 हुआ। और ये ग्राफ जो है ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाय 10 माइनस 4, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। मेरा वाई पे एक्सेलरेशन है और एक्स पे एफ है, this is y equal to 1 by 10 x minus 4, a straight line, a slope 1 by 10 है, so graph होगा straight line, means ऐसा कुछ। f कहां तक? 80 तक। 80 value क्या होगा दोस्तों? 80 by 10, 8 minus 4, 4 तक, ये है 4, 80 पे यहां से 4 आ रहा है, यहां तक दोनों साथ चला, यहाँ पे ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, 50 पे जीरो है, 50 के बाद ही ग्राफ आया। अगर ये एंगल कुछ थीटा 1 है, वी कैन राइट 10 थीटा 1 इक्वल टू 1 बाय 10। आप ग्राफ ऐसा दे देगा आपको सब वैल्यू का, बताओ कौन है यहाँ पे एक्स वाई टेन थीटा सब क्या है बताने, तो बता सकते हैं। सो 10 थीटा 1 इक्वल टू 1 बाय 10। अब नेक्स्ट, अब 80 के बाद तो ये हो गया, 80 के बाद AB क्या हो गया 3, देखो यहाँ पे 4 है मतलब ग्राफ फिर नीचे आया, और 80 के जस्ट बाद ये होगा, 80 पे कितना एक्सेलरेशन 4, 80 यहाँ इंक्लूडेड है, 80 तक साथ चलेगा क्योंकि औकात तक 16 है वहां पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, सो 80 तक साथ चला, और इक्वलिटी साइन यहाँ लगाए हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे इक्वलिटी आया था। अब पिछला कॉपी देखो, अभी पीछे पलटो, सो इक्वलिटी यहाँ पे है, जब थिक फोर्स मेरा एक्टिव एक्शन कितना होगा 4, 80 के जस्ट बाद ए बी 3 हो गया, ये मेरा हो गया ए बी 3, 80 के जस्ट बाद, और 80 के जस्ट बाद ए क्या होगा, यहाँ पे रखो 80 माइनस 52, 80 माइनस 52 कितना होगा 28, कितना होगा रखो यहाँ पे, अगर f जस्ट 80 रखते हैं तो a कितना आ रहा है 80 माइनस 52 बाय 6 14 बाय 3, ये 4 से बड़ा है, मतलब 80 के जस्ट बाद फिर से ग्राफ, और अब स्लोप क्या हो जाएगा, मतलब ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा,
यहाँ फिर से डिसकंटिन्यूटी और 80 पे 4 है, 80 के जस्ट बाद ही है। और अब स्लोप हो गया 1/10 से 1/6, मीन्स स्लोप थोड़ा बढ़ेगा, मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। और ये कितना है 14/3। सर क्या क्या आप कर रहे हो, दिस एंगल इज थीटा 2 एंड tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/6। भाई मैंने कुछ नहीं किया, हम बस इसको ये यहाँ तक फिजिक्स था उसको मैथ से प्लॉट कर रहे हैं। जब तक फोर्स 50 तक था दोनों का एक्सेलरेशन जीरो था, तो ग्राफ एक्सेलरेशन जीरो है। 50 के जस्ट बाद, 50 के जस्ट बाद a इक्वल टू ab इक्वल टू 50 पे जीरो है, 50 पे जीरो है, बिकॉज जब 50 फोर्स लगाएंगे तो 50 फ्रिक्शन लगा के रोक देगा। 50 से 50.00001 भी करेंगे तो अब ये हो गया, देश ये वाला पिक्चर में आ जाएगा। सो 50 के जस्ट बाद 50 अगर यहां पर ये 1 आ गया, मतलब ग्राफ ऑफ 1 से स्टार्ट होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पे c माइनस 4 है और स्लोप 1/10 है, तो स्ट्रेट लाइन 1 से स्टार्ट हुआ और स्लोप 1/10 हुआ। ये कब तक 80 है, इंक्लूडिंग 80 है, 80 तक ये ग्राफ है। 80 के जस्ट बाद ये भी कॉन्स्टेंट हो गया 3 पे, हमने 80 पे यहां फिर निकाल लिया, 80 पे रखेंगे 80/10, 8 - 4 = 4, और 80 के जस्ट बाद ये भी 3 हो गया, और 80 के जस्ट बाद ए क्या हो गया 14/3, फिर से स्ट्रेट लाइन, दिस इज एफ बाय 6 माइनस 52/6, तो स्लोप इज नाउ 1/6, स्लोप बढ़ गया 1/10 से 1/6 हो गया, तो ये एंगल ज्यादा है। मजा आ गया, जीवन के सारे आनंद मिल गए, अभी तो बचा हुआ है और भी आनंद। नेक्स्ट एक और ग्राफ बनवाते हैं आपसे, एक और ग्राफ बनवाएंगे। अब आपको जो हम इक्वेशन निकाल दिया, आप उस जो टेबल बनवाया उसमें वैल्यू रखो, आपको सब कुछ आ जाएगा। जो मैंने आपको टेबल दिया था उसमें आपका वैल्यू रखो, जो किस रेंज में लाई करता है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एक और करते हैं, आपको बस ग्राफ बनाना है, मैं इसमें टेबल नहीं बना रहा। आपको F और AA एंड AB का ग्राफ बनाना है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, फटाफट X एक्सिस पे रखो F और Y एक्सिस पे रखो AA एंड AB। जिनका नहीं हुआ है वीडियो पॉज करना, पहले खुद से प्लॉट करना, फिर मैं सोल्यूशन देखना, ठीक। चलो मैं करना शुरू करता हूं। पहली बात, ए मान लेते हैं फ्रिक्शन एफ वन है और यहां एफ टू है। भाई एफ वन लिमिटिंग नॉर्मल 50 × 0.6 30 मीटर, भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 × 0.6 30 मीटर। भाई एफ टू लिमिटिंग 20 × 0.5 10। F1 लिमिटिंग 30 × 0.6 30 + 20 50 × 0.6 30, F2 लिमिटिंग 20 × 0.5 10। हमने औकात दोनों का निकाल लिया। अब जब तक मेरा फोर्स 30 से छोटा होगा दोनों रेस्ट में रहेगा। एक तो आसानी से आ गया, इफ F इज लेस देन इक्वल, यहाँ कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे अगर F 30 तक रहेगा तब भी रोक देगा, तो उस केस में A इक्वल टू AB इक्वल टू 0। अब मानते हैं मेरा F 30 से बड़ा है तो यहाँ चलेगा। अब चलेगा दो ऑप्शन है, साथ चलेगा या अलग चलेगा। हम इसका औकात यहां लिख लेते हैं, F1 लिमिटिंग है 30 और इसका औकात है 10। ओके, सो अब जब F मोर देन 30 है तो चांस है कौन चलेगा साथ या अलग अलग, देखते हैं कब तक साथ चलेगा। तो साथ चलेगा मीन्स कंबाइंड सिस्टम ले लेते हैं, दे आर मूविंग टुगेदर,
सो ये बी ये ए 2 kg एंड 3 kg। और यहां यहां कितना है फ्रिक्शन, अब कैंडी लगा रहे हो साथ चल रहा है, चल रहा है तो 0.5 × 50 25। सो नाउ कंबाइंड एक्सेलरेशन विल बी ए इक्वल टू एफ माइनस 25/5। सो इफ दे मूव टुगेदर दे विल मूव द एक्सेलरेशन विद दिस एफ माइनस 25/5। नॉर्मली यार इधर एफ लग रहा है, इधर 25 लग रहा है, मास 5 के एक्सेलरेशन ये होगा कब, अगर दोनों साथ चले। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा, हम बी का एफबीडी में आते हैं, साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा, ये दे पाएगा कि नहीं पाएगा, बी पे एफ इधर लगेगा। सो एफ इक्वल टू 2 × एक्सेलरेशन एफ माइनस 25/5, राइट, इसे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इसे एफ रिक्वायर्ड, दोनों को साथ चलाने के लिए इतना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है एम इंटू ए। अब जो जीवन का रिक्वायरमेंट है वो उसके औकात के अंदर होना चाहिए खुशी के लिए। सो एफ रिक्वायर्ड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, इक्वल साइन भी है एफ टू लिमिटिंग एंड दैट इज 10। सो 2 × एफ माइनस 25/5 मस्ट देन इक्वल टू 10। सो एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50। ये ना, so F50, इसको बस सॉल्व किया हूं, मैं कुछ नहीं किया हूं। F50 से छोटा होगा तभी दोनों साथ चल सकता है, मतलब F30 तक होगा तो चलेगा ही नहीं, और जब F30 से 50 के बीच होगा दोनों साथ चलेगा, इक्वलिटी साइन यहां पे है, दे विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन AA इक्वल टू AB, दिस इज इक्वल टू F माइनस 25/5। So if F is less than equal to 30, there will be a rest. If F is between 30 to 50, they will move together with this acceleration. F minus 25/5. Okay. अब इसको मिटाएं। अब अगर F 50 से बड़ा हो, equality sign वहां ऊपर जा चुका है, अब F 50 से बड़ा हो मतलब दोनों अलग अलग चलेगा, so अलग अलग FBD में आते हैं तो बहुत आसान होता है। यहां पे लगेगा 50, यहां लगेगा लिम, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल अभी 50 रहेगा बिकॉज मान है ब्लॉक से नीचे नहीं आ रहा है, तो टोटल मास 30 प्लस 20 50, तो नॉर्मल 50 50 इंटू 0.5 25, और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन 20 इंटू 0.48 एफ जब 50 से बड़ा है। सो ये है मेरा 3 kg ए, ए है ए, सो ए ए होगा एफ माइनस 25 प्लस 8 33/3, एफ माइनस 33/3 नॉर्मल, यहाँ 25 सिंपल है, 25 यहाँ पे 8 लगा तो 33 हो गया, इधर आगे एफ लग रहा है और मास 3 kg है। बी, बी पे फ्रिक्शन लगेगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 × 0.4, में सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहा हूं। सो ए बी का फिक्स वैल्यू हो जाएगा 8/2, दैट इज 4 m². सो ए एफ पे डिपेंड करेगा, ए बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिकल फोर्स लग नहीं रहा है। So, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्योंकि हमने सारा कुछ लिख लिया, जब हमको फंक्शन पता है तो ग्राफ तो आप आसानी से कर सकते हो। यहां पे मेरा एक्सप्रेशन है और यहां पे फोर्स। जब तक f इक्वल टू 30, मतलब 0 से लेकर 30 तक इंक्लूडिंग 30, a a b 0 है, 30 0 है। अब 30 के जस्ट बाद ये आता है, यहाँ पे अगर 30 रखते हैं, 30 में 25, 5/5 1, यहाँ पे लकली फिर से 1 आ गया, सो ये 1, सो ये वैल्यू 30 पे इंक्लूडेड नहीं है, 30 पे 0 है। 30 के जगह एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगेन दिस इज इक्वल टू f/5 − 5, सो स्लोप 1/5 है, स्ट्रेट लाइन है, सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ 1/5 स्लोप। अगर ये एंगल थीटा 1 है, सो tan थीटा 1 इक्वल टू, कब तक, 50 तक, इंक्लूडिंग 50 पे ये है, 50 पे ये है। अब 50 के जस्ट बाद ए भी क्या हो गया है, 4, बस यहां पर 50 में 25/5, मतलब 50 तक एक्सेलरेशन 5 है दोनों का,
अगर f इक्वल टू क्वेश्चन में 50 देगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5, अब 50 के जस्ट बाद ए भी क्या हो गया 4, 50 पे इंक्लूडेड नहीं है, ये मेरा 4 है, अब मैं तो गंदा हो रहा है, ए भी इक्वल टू 4, ये कांस्टेंट है। और 50 पे अगर हम इसी क्वेश्चन आते हैं, ए क्या होगा 50 में 33, 17/3, लेकिन 5 से बड़ा है, ये फिर से 50 पे इंक्लूडेड नहीं है, 17/3। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पे न्यूस न्यू के अलग अलग है। सो 50 पे कौन इंक्लूडेड है, ये वाला 50 वैल्यू क्या होगा एक्शन का 5, 50 के जस्ट बाद ये इक्वेशन आएगा, तो स्टार्ट कहां से रहा है 50 का रखते हैं तो 17/3 से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप ऑफ 1/3 हो गया, तो फिर से स्लोप बड़ा हो गया और ऐसा कुछ होगा एंड tan थीटा 2 इक्वल टू 1/3। आप मिला अगर सही है तो अच्छी बात है। सो इस पे भी अब नहीं करवा रहा हूं मैं, देखता हूं आप लोग कितना समझ पाते हो, उस हिसाब से फिर मैं आगे इस पे प्लान करूंगा, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बस इतना पे ही छोड़ दे रहा हूं, पहले आप लोग इसको देखो, मैं इसका फीडबैक लूंगा, फिर आपको मैं दूसरा वीडियो दूंगा, इस पे एक और दूंगा, मैथ कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा जरा हैप्पी हो जाएगा, नहीं इसको मैं छोड़ता हूं, फिर सेकंड वीडियो दूंगा, ओके, और तुरंत दूंगा, तुरंत तुरंत, वो छोटा वीडियो बना है, तुरंत एक और वीडियो मिलेगा, ओके बाय बाय।